जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 17वां और 18वां श्लोक भक्ति योग यानी 12वें अध्याय का सीखा होगा। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः। और आगे के श्लोक में तो इससे भी बड़ी बात भगवान कहते हैं, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। भगवान कह रहे कि पहली बात तो किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शोक भी नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाते रहना चाहिए। हम सब लोग रोते रोते पैदा होते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो रोता हुआ नहीं पैदा होता, लेकिन कुछ लोग रोते ही रहते हैं, उनका रोना रुकता ही नहीं, जीवन भर रोते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे ये चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला, रोते ही रहते हैं। ऐसे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? रोने की आदत हम लोगों को बंद करनी होगी, सदा हंसते रहना होगा। क्या आपने कभी भगवान श्री कृष्ण का रोता हुआ चेहरा देखा है? युद्ध के मैदान पर भी भगवान हंसते हुए नजर आते हैं। अर्जुन के हाथ से गांडीव नीचे गिर गया, अर्जुन हतप्रद हो गया, तब भी भगवान हंसते हंसते अर्जुन से बात कर रहे हैं। भगवान दुख नहीं मना रहे कि जिसका सारथ्य मैं कर रहा हूं वो अर्जुन तो अब नीचे बैठ गया, अब युद्ध में क्या होगा। भगवान हिम्मत नहीं हारते ना हारने देते, न शोचति दुख नहीं मनाते, न कांक्षति जो होगा सो होगा, प्रयास में पूरा करूंगा, आकांक्षा के साथ में कोई काम नहीं करूंगा, न कांक्षति बिना आकांक्षा के काम करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और है। और भगवान आगे कह रहे समशत्रौ च मित्रे च, हमारे मित्र और शत्रु के साथ भी हमें सम रहना आना चाहिए। खेल के मैदान पर जब कबड्डी का सामना होता है और दो टीमें एक दूसरे से भिड़ जाती है, फिर उसके पश्चात कोई एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है, जैसे ही कोई हारता है या जीतता है, दोनों कप्तान आपस में आके मिलते हैं, सेकेंड करते गले लगते हैं, शत्रुता का भाव वहीं के वहीं विसर्जित हो जाता है। शत्रुता के भाव से खेलना ही नहीं है, क्यों हम किसी के साथ शत्रुत्व करें? हम तो अपने विद्यालय को जिताने के लिए हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, बस इस भावना से जो खेलेगा, किसी को हराने के लिए नहीं, अपने विद्यालय को जिताने के लिए जो काम करेगा वो विजयी बनेगा। और इसलिए हमारे मन में शत्रुता की भावना और मित्रत्व की भावना, इन दोनों से भी हम लोगों को परे जाना होता है, दोनों को समान स्तर पर देखने की आदत डालनी पड़ती है। जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मेरे शत्रु कौन है बताओ, तो हम लोगों को लगेगा कि भगवान ने अर्जुन से कहा होगा कि दुर्योधन और दुशासन तुम्हारे शत्रु है, लेकिन भगवान ने दुर्योधन और दुशासन का नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिनम, तुम्हारे सबसे बड़े वैरी यदि कोई है तो वो तुम्हारा काम है यानी कामनाएं, और क्रोध है यानी गुस्सा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। एंगर इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर यू, ध्यान रखिएगा, आपको गुस्से से बाहर रहना है। शत्रु और मित्र के साथ जो समान व्यवहार करें, और तथा मानापमानयो हो, कोई आपको सम्मान दे या कोई अपमान कर दे, मान में और अपमान में भी समत्व रखना आना चाहिए। कोई आके आपको कुछ भला बुरा सुनाता है,
तो आपका चैनल चेंज हो जाता है और तुरंत आपको दर्द होता है, आप रोने लग जाते, रोते रोते आप टीचर के पास जाते और शिकायत करते कि उसने मुझे ऐसा कहा। उसके कहने पर आपका बस नहीं चलता, आप रिएक्ट कैसे करते हैं इस पर चलता है। और जनरली आप रिएक्ट ही करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते। आप जब रिस्पॉन्स करना सीख जाएंगे, आपके रिएक्शंस देना बंद करेंगे, तब आप जीवन में जीतते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मान में और अपमान में भी जो सम रहना सीखेगा, किसी ने अपमान भी कर दिया तो हम सोच समझ के उसको जवाब दे, ना कि बिना सोचे समझे रिएक्ट करें। सोच समझ के जो कहा जाता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं, और बिना सोचे समझे जो बात कही जाती है उसको रिएक्ट करना कहते हैं। तो हम रिस्पॉन्सिबल बने, ना कि रिएक्टिव। हम रिस्पॉन्स देना सीखे, ना कि रिएक्शंस। भगवान कहते हैं कि इस मार्ग पर जो चलेंगे वो ही आगे बढ़ेंगे। शीतोष्ण सुख दुखेश, कभी ठंडा पानी मिल गया, कभी गर्म पानी मिल गया, कभी ठंडा खाना मिल गया, कभी गर्म खाना मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब बाहरी चीजें हैं। एक आध दिन नहीं मिला गर्म पानी तो कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, बड़े आराम के साथ में, आनंद के साथ में नहा लेना चाहिए। शीत में और उष्ण में जो समभाव बनाता है, जो बैलेंस रहता है, सुख में और दुख में जो बैलेंस रहना सीखता है, वो ही जीवन में यशस्वी बनता है। भगवान का यही मार्ग है, आइए इस मार्ग पर चलते हैं और विजयी बनते हैं। जय श्री कृष्ण।